हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाजिया कनेक्ट्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कलेजी। मटन कलेजी बकरीद की तो स्पेशलिटी होती है। ये रेसिपी से कलेजी तो बहुत अमेजिंग बनती है, साथ ही उसका जो मसाला बनता है वो भी बहुत जबरदस्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कलेजी या लिवर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1/2 kg गोट लिवर, या जिसे आप मटन की कलेजी भी कहते हैं। तो ये 1/2 kg मैंने यहाँ लिया है सिर्फ कलेजी। आप चाहें तो किडनी, हार्ट और लिवर मिला के भी ले सकते हैं। 4-5 बार वॉश कर लिया है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके अलावा हम लेंगे अनियंस। तो अनियंस यहाँ पे मैंने 2 ली है, 1.5 एक तरफ रखा और 1/2 अनियन एक तरफ रखा है। तो मैं आपको अब डिटेल में दिखाती हूँ। तो मैंने क्या किया कि 2 अनियन को पतली पतली काट के इस तरह से स्लाइस कर लिया है। आप देखें, इस तरह से आपको स्लाइस करना है पतली पतली, और हाफ इधर रख दिया एंड 1.5 इधर है। तो टोटल ये 2 अनियन है 1/2 kg कलेजी के लिए। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए 2 teaspoon दही और कुछ होल स्पाइसेस। तो होल स्पाइसेस में मैंने यहाँ लिया है 2 तेज पत्ता। तो मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ता इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास छोटे थे। अगर आपके पास बड़े हों तो आप एक ही ले सकते हैं। इसके अलावा लेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग और 4 से 5 ब्लैक पेपर, और होल जीरा लेंगे 1 teaspoon। चलिए अब हम बाकी के मसाले देख लेते हैं। तो मसालों में हमने लिया है हल्दी 1/4 teaspoon, 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon जीरा पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला और 1 teaspoon नमक। इसके अलावा हम लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 tablespoon, बनाने के लिए 4 से 5 tablespoon कुकिंग ऑयल, धनिया पत्ती और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं यहाँ पे 2 इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कुकर, क्योंकि कुकर में कलेजी जल्दी गल जाती है, इसलिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और सबसे पहले हम कुकर में ऐड करेंगे ऑयल। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 4 से 5 tablespoon कुकिंग ऑयल, और ऑयल को अब हमें मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। ऑयल जब गरम हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे ये होल स्पाइसेस और होल जीरा। सभी चीजों को हम ऑयल में 30-40 seconds के लिए फ्राई कर लेंगे। कलेजी में होल स्पाइसेस थोड़े ज्यादा ही इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि उससे उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 अनियन थिनली स्लाइस्ड। जो बाकी की अनियन है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, अभी हम सिर्फ 1.5 अनियन ही ऐड करेंगे। अनियन डाल के हमें अनियंस को बहुत अच्छी तरह से तेल में फ्राई करना है। किसी भी रेसिपी में आप देखेंगे तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काइंड ऑफ सेम होते हैं, जैसे प्याज, टमाटर, वो सब तो एक ही जैसे होते हैं। फिर भी हम उनको इस्तेमाल करके डिफरेंट टेक्सचर, फ्लेवर और डिफरेंट डिशेस बना लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस आता है ये इन्हीं चीज़ों से आता है कि आपको अनियन कितना फ्राई करना है, कब तक अनियन को फ्राई करना है, किस कलर तक करना है, मसाले कितना भूनना है। इसलिए अनियन का हर डिश में फ्राई होने का स्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी। अब आप देख सकते हैं कि अनियंस का कलर एकदम चेंज हो गया है, वो अब हल्के ब्राउन होना शुरू हो रहे हैं। अभी ब्राउन नहीं हुए बट हल्के कॉर्नर से ब्राउन होना शुरू हो गए। ये मैंने थोड़ा सा और फ्राई करना है, और यहाँ पे मैंने स्पैचुला भी चेंज कर लिया है। मुझे सिलिकन स्पैचुला से काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है उससे काम ज़्यादा नीटली होता है। और ये देखिए, अब अनियंस बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आपको थोड़े थोड़े ब्राउन अनियंस भी दिख रहे होंगे, और बाकी के अनियंस भी ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं। तो हमें बिल्कुल इस स्टेज तक अनियंस को फ्राई करना है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के हमें 1-2 मिनट तक जिंजर गार्लिक पेस्ट को अनियंस के साथ फ्राई कर लेना है। मैं अपने हर वीडियो में आपको बहुत डिटेल में दिखाती हूँ कि अनियंस को कितना फ्राई करना है और जिंजर गार्लिक के साथ कितना फ्राई करना है, क्योंकि इससे जो है खाने का टेस्ट पे बहुत असर पड़ता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एकदम कंप्लीट रेसिपी दूँ ताकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने। जिंजर गार्लिक भी अच्छा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले ऐड कर रही हूँ हल्दी 1/4 teaspoon, 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 teaspoon, जीरा पाउडर 1 teaspoon, गरम मसाला 1/2 teaspoon। गरम मसाला हम आगे भी ऐड करेंगे।
नमक 1 टीस्पून और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कलेजी, ये मटन की कलेजी है और वेट से 1/2 kg है। कलेजी को हमें सभी मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है, अराउंड 3 से 4 मिनट। कलेजी जब अच्छे से भुन जाएगी तो सारे मसाले उसके साथ अच्छे से मिल जाएंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है जब हम कलेजी को इस तरह से मसालों के साथ भूनते हैं तो मसाले जलने लगते हैं, तो आप क्या करें कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसे भूनते जाएं। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा लाइक 2 to 3 tablespoons पानी ऐड करें और फिर इसे भूनते जाएं। अब आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छे भुन गए हैं, हल्का हल्का तेल आ गया है साइड में। और आपको कलेजी में दिखाती हूँ, तो कलेजी का भी आप देख सकते हैं कि जो कलर है वो चेंज हो चुका है, मसाला अच्छे से कलेजी पर लग चुका है। तो हमें एकदम इसी तरह से कलेजी को भून लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये बची हुई 1/2 onion थिनली स्लाइस। इस तरह से अनियन इस टाइम पे ऐड करने से कलेजी में बहुत अच्छा मसाला बनता है, तो आप एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करिए। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 1/2 cup पानी। और अब हम कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे सीटी लगा लेंगे। तो जनरली 2 से 3 सीटी में कलेजी गल जाती है, बट कभी कभी इसे गलाने में ज्यादा टाइम लगता है, तो आप 3 सीटी तक गला लें, उसके बाद इसे चेक कर लें और अगर जरूरत लगे तो 1-2 सीटी और डलवा दें। तो अब मैं प्रेशर कुकर का लिड बंद करती हूँ और इसे 2 से 3 whistle आने तक पकाती हूँ। मैं यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे गलाने के लिए, क्योंकि प्रेशर कुकर में ईजिली और जल्दी बन जाती है, मगर आप चाहें तो इसे कढ़ाई या पैन में भी बना सकते हैं। सेम स्टेप्स फॉलो करें और पानी डाल के कढ़ाई या पैन में इसे गला सकते हैं। कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है, तो अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप इस स्टेज पे कलेजी को चेक भी कर लें कि कलेजी कैसी गली है। मैंने चेक किया था और मुझे कलेजी एकदम ठीक लगी थी। और अब हमें कलेजी को भूनना है, तो भूनने के लिए आप इस प्रेशर कुकर में ही कलेजी को भून सकते हैं। मैं इस कलेजी को शिफ्ट कर रही हूँ एक पैन में, ये मैं बस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियरली दिख सके। प्रेशर कुकर में व्यू थोड़ा ब्लॉक हो रहा था, मैं बस वीडियो की क्लैरिटी के लिए इसे कढ़ाई में शिफ्ट करके भूनूंगी। आप बिल्कुल प्रेशर कुकर में ही ये स्टेप कर सकते हैं। तो चले, मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 teaspoons दही और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मगर अभी हमें फ्लेम नहीं ऑन करना है, पहले दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे मीडियम पे। दही और प्याज से जो कलेजी का मसाला बनता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं फ्लेम को करूंगी ऑन और इसे एक बॉयल आने तक भूनूंगी। तो ये देखिए, कलेजी अब गर्म हो चुकी है, उसमें बॉयल आना शुरू हो गया और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया। इसे 1 minute और भून लेते हैं और उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon गरम मसाला, साथ ही ऐड कर देंगे हैंडफुल ऑफ चॉप धनिया। धनिया हम आगे गार्निशिंग के लिए भी डालेंगे, मगर इस स्टेज पे ऐड करके कलेजी के साथ 1-2 minute भून लेने से इसका टेस्ट और अच्छा होता है। 2 हरी मिर्च इस तरह से चॉप करके ऐड कर देंगे और अब सभी चीजों को मिक्स करके इसे 1 से 2 मिनट तक और भून लेंगे। अब ये अच्छी भुन चुकी है, तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम इसमें उतना ऐड करेंगे जितना हमें इसमें ग्रेवी रखना है। वैसे कलेजी बहुत ज्यादा ग्रेवी वाली नहीं खाई जाती है, थोड़े कम ग्रेवी वाली ही इसे पसंद की जाती है, तो आप इसमें अराउंड 1/2 cup पानी ऐड कर दें। और अब हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को करेंगे लो मीडियम और इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। इससे क्या होता है ना कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है डिश का, वो साइड में आ जाता है और डिश का कलर भी बहुत अच्छे से इन्हांस कर जाता है। तो ये हमारी मटन कलेजी बिल्कुल तैयार है। इसे गार्निश करेंगे धनिया पत्ती के साथ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आती है और बकरीद की तो ये एकदम स्पेशलिटी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में दें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।